बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम की, जो कि कनाडा IRCC हर वीक अपडेट करती है, और इस चीज़ को देखकर पता चलता है कि आने वाले दिनों में किन किन के रिजल्ट्स आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे लेटेस्ट वीज़ा ट्रेंड की भी, कि इस टाइम किन किन के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में दोस्तों विजिटर्स के लिए काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ है, तो वो भी मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। फ्रेंड्स इस टाइम स्टूडेंट का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 11 वीक्स का चल रहा है, जो कि पहले वाले वीक से स्टेबल है। इस टाइम स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा PPRs देखने को मिल रही है, और ये PPRs दोस्तों रैंडमली देखने को मिल रही है, मतलब कुछ अक्टूबर्स की भी हैं, कुछ नवंबर्स की भी हैं, कुछ दिसंबर्स की भी हैं। तो इसीलिए ये नहीं बोला जा सकता कि कनाडा IRCC सीक्वेंस से लेके चल रहा है, वो रैंडमली प्रोफाइल पिक कर रहा है। साथ ही दोस्तों ये वीक रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये दोस्तों कि इस वीक वीज़ा ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। खाली स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं, बाकी कैटेगरीज के अंदर भी बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों स्पाउस ओपन वर्क परमिट वालों की। दोस्तों पाकिस्तान में इस टाइम वर्क परमिट वालों का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 14 वीक्स का हो चुका है, और इंडिया के अंदर इस टाइम जो वर्क परमिट वालों का प्रोसेसिंग टाइम है वो 31 वीक्स का हो चुका है। दोस्तों स्पाउस ओपन वर्क परमिट वालों की भी काफ़ी ज़्यादा PPRs देखने को मिल रही है, और ख़ासकर नवंबर मंथ वालों की। जैसे पहले अक्टूबर मंथ वालों की आ रही थी, ऐसे ही अब नवंबर मंथ की ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ PPR दिसंबर की भी हैं, कुछ अक्टूबर की भी आ रही है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, मतलब कनाडा IRCC पहली एक वाहिद ऐसी कैटेगरी है स्पाउस ओपन वर्क परमिट की जिसको एक सीक्वेंस से लेके चल रहा है। और साथ ही दोस्तों इनका ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह रहा है, मतलब 100% के अंदर से 70% जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों को एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट भी भेजी जा रही है, और जिनके डॉक्यूमेंट वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको 3 से 4 दिन के अंदर PPR रिसीव हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा केसेस में देखा गया है, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि फाइनली स्पाउस ओपन वर्क परमिट वालों की जो प्रोसेसिंग है वो मजीद बूस्ट की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों विजिटर वीज़ा वालों की। विजिटर वीज़ा वालों के लिए काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो दोबारा से इंक्रीज कर दिया गया है, और PPR की जो स्पीड है वो दोबारा से बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। पाकिस्तान में इस टाइम विजिटर वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 103 दिन का हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, और इंडिया के अंदर इस वक्त 49 डेज का विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम हो चुका है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो COVID-19 का नया वेरिएंट है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे ये न्यू वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है कनाडा में, आपने देखा होगा रोज़ के जो है वो 40,000 से प्लस केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे विजिटर्स के जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होते जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों कनाडा के अंदर अभी विजिट करने की जो प्लेसेस हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं और वो बंद की जा रही है, जिसकी वजह से विजिटर्स को वीज़ा मिलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। क्योंकि जब वहाँ पे विजिट की प्लेसेस ही नहीं खुली होगी तो आप टूरिज़्म के लिए जाके क्या करोगे, इसीलिए कनाडा उनको वीज़ास नहीं देगा जो कि टूरिज़्म के लिए कनाडा जाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहते हो या किसी बिजनेस के लिए जाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हो तो उनको मजीद वेट करना होगा, जो कि काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कैटेगरी इंतज़ार कर रही है। लोगों को 2-2 साल हो चुके हैं, 2.5-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनके विजिटर वीज़ा नहीं आए। हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि 2 साल से बेचारे कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन उनका अब तक कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। और अभी आप देख सकते हो कि दोबारा से लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसके अंदर विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम मजीद इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब उनको अब मजीद वेट करना होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना,
मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।